गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का एम के शाह क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज ये जो है प्राचीन इतिहास का ये सातवां लेक्चर है, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह पर आधारित है और वन लाइनर है। दोस्तों, इसमें हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, इससे संबंधित वन लाइनर के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जितने भी महत्वपूर्ण जो है वन लाइनर हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। और ये सभी एग्जामों के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आर हो या UPPCS हो या BPSC हो या UPP हो या SSC या MPPCS या अदर स्टेट का कोई भी PCS एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो। और दोस्तों, साथ ही साथ सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लस जो जूनियर सेक्शन का जो टेट होता है उसके लिए भी, जो सोशल साइंस का जो टेट सब्जेक्ट है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वन लाइनर है और इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। हर लगभग में एग्जाम में यहाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें दोस्तों जो पहला पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि मगध यानी प्रथम मगध जो साम्राज्य है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ वो दोस्तों ईसा पूर्व यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। और दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक दोस्तों बिंबिसार को माना जाता है और इन्होंने लगभग 544 से 49 ईस्वी पूर्व तक जो है इन्होंने शासन किया। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक महाजनपद है और उस महाजनपद का क्या नाम था। तो उस महाजनपद का नाम दोस्तों अशमक था या अशक, यानी दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। पॉइंट दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो भी पॉइंट है वो किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे ही गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नंदवंश के बाद दोस्तों मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंदवंश के बाद जो है मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। और इसी के साथ अगला है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी जो राजधानी बनाने वाले जो शासक थे वो दोस्तों उदयन थे। उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बनाया था। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि उदयन जो है वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है। तो ये दोस्तों उज्जैन से संबंधित है। जो उदयन वासवदत्ता की जो कहानी है ये उज्जैन जो है राज से संबंधित है। किस विशेष से संबंधित है, तो उज्जैन से संबंधित है। और आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत में नंदवंशी शासक जो थे घनानंद का शासन था, यानी नंदवंश का एक शासक था। घनानंद किस वंश का था, नंदवंश का शासक था और इसी का शासन उस समय चल रहा था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि गौतम बुद्ध के समय जो है प्रसिद्ध वैद एक था जीवक, और उस वैद का नाम था जीवक। जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान जो है प्रदान किया, तो ये किया था दोस्तों बिंबिसार ने जो है गौतम बुद्ध के समय का ये प्रसिद्ध जीवक वैद था, प्रसिद्ध वैद, और उस वैद का नाम था जीवक, और जो है बिंबिसार के दरबार में जो है ये रहता था और बिंबिसार ने ही इसे जो है अपने दरबार में स्थान दिया। तो ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि गौतम बुद्ध के समय जो प्रसिद्ध, ये पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो ये प्रसिद्ध वैद्य जीवक थे, या जीवक जो है किसके दरबार में रहता था, तो बिंबिसार के दरबार में रहता था। क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है। तो ये दोस्तों अर्धचंद्राकार आकृति का है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मगध के किस शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी अपने पुत्रों के द्वारा मारा गया। तो ये दोस्तों है अजातशत्रु।
अजात शत्रु को पितृहंता के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिता की हत्या की और पिता की हत्या करने के बाद जो अजात शत्रु के पुत्र थे उन्होंने अजात शत्रु का वध करके राज सिंहासन को प्राप्त किया। तो ये पिता की हत्या की और स्वयं भी अपने पुत्रों के द्वारा मारा गया और पितृहंता के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो अजात शत्रु है। क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिकंदर, सिकंदर एवं फोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? तो सिकंदर और फोरस के मध्य जो युद्ध हुआ वो दोस्तों झेलम नदी के तट पर हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है, यानी ऐसा कौन सा शासक है जिसे परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है महापद्मनंद को दोस्तों परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो 16 महाजनपद है और उनकी राजधानियां, 16 महाजनपद से संबंधित उनकी राजधानियां, यहां से क्वेश्चन आपके मैचिंग वन लाइनर और कूट वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको जो है महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। जो 16 महाजनपद है, एक तरफ महाजनपद दिया, दूसरी तरफ राजधानियां दिया है। अंग महाजनपद की राजधानी दोस्तों चंपा थी, जो कि प्राचीन नाम इसका था मालिनी, जिसे मुंगेर के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो महाजनपद है मगध की जो राजधानी थी वो गिरिब्रज थी, जिसे राजगृह के नाम से जानते हैं। तीसरा जो महाजनपद है वो मल्ल की जो राजधानी है वो कुशीनारा या पावापुरी, जो कि देवरिया गोरखपुर के क्षेत्र में पड़ता है। और काशी महाजनपद की राजधानी दोस्तों वाराणसी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी अयोध्या या श्रावस्ती, जो कि फैजाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अगला है जो पंचाल महाजनपद की राजधानी उत्तरी पंचाल, जो कि अहिछत्रक के नाम से, और दक्षिणी पंचाल कांपिल के नाम से प्रसिद्ध है। और कुर महाजनपद की राजधानी दोस्तों इंद्रप्रस्थ थी, जो आजकल जो है मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा का कुछ क्षेत्र है। वज्र महाजनपद की राजधानी विदेह एवं मिथिला है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, जो कि जयपुर का क्षेत्र एरिया है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि इलाहाबाद और बांदा के क्षेत्र में प्रसारित था। और सूरसेन महाजनपद की राजधानी दोस्तों मथुरा थी। चेरी महाजनपद की राजधानी सोतीवती यानी सुक्तिमती थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अश्मक महाजनपद की राजधानी पोतन या पोटली थी। अवंती महाजनपद की राजधानी उत्तरी अवंती, जो कि उज्जैन, और दक्षिणी अवंती, जो कि महिष्मती के नाम से मशहूर है। और गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है। कम्बोज महाजनपद की राजधानी हाटक, जो कि जयपुर और कश्मीर का कुछ हिस्सा शामिल है। वज्र तथा मल्ल महाजनपद में दोस्तों गणतांत्रिक व्यवस्था उस समय भी प्रचलित थी। कौन कौन? वज्र और मल्ल महाजनपद में। तो ये दोस्तों 16 महाजनपद थे। यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग वाले ज़्यादातर बनते हैं और वन लाइनर भी पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर्यक वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक जो है ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अगला है उज्जैन का जो प्राचीन नाम है यानी प्राचीनतम नाम क्या था? तो अवंतिका था। उज्जैन महाजनपद का प्राचीनतम नाम अवंतिका था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो सिकंदर की मृत्यु दोस्तों बेबीलोन में हुई थी। कब हुई? 323 ईसा पूर्व में हुई। तो ये सिकंदर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई और कब हुई? 323 ईसा पूर्व में हुई। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जयंद्रमीज के नाम से किया? तो ग्रीक लेखकों ने दोस्तों घनानंद शासक का उल्लेख अग्रमीज एवं जयंद्रमीज के नाम से किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि सिकंदर के बारे में और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सिकंदर के समकालीन जो यूनानी लेखक थे उनका आपको जो है बताना है। तो सिकंदर के जो समकालीन यूनानी लेखक थे उनका विवरण दिया हुआ है। एक तो लेखक समय और प्रमुख रचनाएं महत्वपूर्ण साक्ष्य। तो सिकंदर का जो समकालीन थे वो अरिस्टोब्यूलस इस सिकंदर का समकालीन यूनानी लेखक था। ओनोसेक्रेटस था और नियारकस था। ये दोस्तों ये तीन जो लेखक हैं ये सिकंदर के समकालीन थे। जो अरिस्टोब्यूलस था इसका जो समय है वो 327 से 326 ईस्वी पूर्व के समय था। इसकी प्रमुख रचनाएं थी वो युद्ध का इतिहास और इससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं वो देखते हैं। एरियन व ब्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार
बताया था। दूसरा है ओनो जो सिक्रेटियस, ये यूनानी लेखक सिकंदर का जो समकालीन था, ये 327 से 326 ईसा पूर्व तक था, और ये सिकंदर की जीवनी जो है, इस सिकंदर की जीवनी की रचना जो है ओनो सिक्रेटस ने किया था, और ये जहाजी बेड़े का चालक था। अगला जो नियारकस था, ये भी एक यूनानी लेखक था जो कि सिकंदर का समकालीन था, ये 327 से 326 ईसा पूर्व तक था, और इसकी जो रचनाएं हैं वो स्ट्रैबो या एरियन विवरण है, और ये सिकंदर के जहाज बेड़े का जो है एडमिरल था। दोस्तों अगला पॉइंट कह रहा है कि बौद्ध पंथ अगुत्तर जो निकाय है, यानी बौद्ध ग्रंथ जो अगुत्तर निकाय, बौद्धों का ग्रंथ है अगुत्तर निकाय, योम जैन ग्रंथ भगवती सूत। एक तो जैन ग्रंथ का, जैनियों का जो ग्रंथ है भगवती सूत, और दूसरा बौद्धों का जो ग्रंथ है अगुत्तर निकाय। इसमें दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ है, तो ये ध्यान रखिएगा अगुत्तर निकाय में भी मिलता है और भगवती सूत्र में भी मिलता है। भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है, और जो अगुत्तर निकाय है बौद्धों का ग्रंथ है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ परीक्षा प्रयोगी सार संक्षिप्त, इसमें देख लेते हैं कि वह मौर्य शासक जो आजीवन संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय का अन्यायी था, तो आजीवक संप्रदाय का जो अन्यायी था वो दोस्तों बिंदुसार था, ये मौर्य शासक था जो कि आजीवक संप्रदाय का अन्यायी था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बौद्ध धर्म की प्रथम जो महिला भिक्षु थी वो कौन थी, तो महात्मा बुद्ध की मौसी ये गौतमी थी, प्रजापति गौतमी, ये महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला भिक्षु थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों में प्रथम उपदेश को जाना जाता है, तो बौद्ध ग्रंथ में जो पहला उपदेश है वो दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया, तो अपना अंतिम जो उपदेश दिया वो कुशीनारा में दिया था। दोस्तों अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, और जो पहला उपदेश दिया था ये धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने कहा के लोग बुद्ध ने कहा कि बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वह उसे अपने विवेक से जो है मापें। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का जो परम लक्ष्य है वो निर्वाण की प्राप्ति है। यहाँ निर्वाण का अर्थ लिया गया है जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति, यानी दोबारा इस धरती पर जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाए, दोबारा इस धरती पर ना आना पड़े। अगला है कि आत्मा की जो परिकल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है, ये दोस्तों बौद्ध धर्म में बताया गया है। बौद्ध धर्म जो है बल देता है, किस पे बल देता है, मानव प्रतिष्ठा पर ज्यादा बल देता है। बौद्ध धर्म को ये भी कहा गया है क्या, नैरात्मवादी के नाम से भी बौद्ध धर्म को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई, वैशाख पूर्णिमा को इनका जन्म भी हुआ, वैशाख पूर्णिमा को ही ने ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई, और जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई यानी इनकी जो मृत्यु हुई वो भी दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को ही, तो जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को, ज्ञान ही नहीं मिला वो भी वैशाख पूर्णिमा को, और महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुई। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत हुई, और वो था सप्त परिण गुफा जो राजगृह में स्थित है, तो ये जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन यहीं पर किया गया था। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का जो संकलन है वो किसमें किया गया है, तो महात्मा बुद्ध के जो दार्शनिक विचार हैं वो दोस्तों अभिधम्म पिटक ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो जो बौद्ध भिक्षु का जो पूजा स्थल है उसे चैत के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा देने हेतु नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा देने हेतु नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना दोस्तों कुमार गुप्त के द्वारा करवाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट है कि स्तूप के चारों ओर बने जो वृत्ताकार पथ हैं उनको क्या कहा जाता था, तो स्तूप के चारों ओर बने वृत्ताकार पथ को दोस्तों परदक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या अर्थ है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है कि प्रथम उपदेश की घटना, जब पहला उपदेश दिया तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। अगला है कि जुम्बिक ग्राम के समीप रिजपालका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ, किसको, महावीर स्वामी को। आगे हम लोग देखते हैं कि थोड़ा जैन धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट इसमें दिया हुआ है कि जैन धर्म में जो संलेखना से
तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर त्यागना है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार तो किया गया है किंतु उन्हें जिन से नीचे रखा गया है। नेक्स्ट है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है और इसको किसने बनवाया था, यानी इसे बनवाया किसने था, तो तेजपाल और वास्तुपाल के द्वारा इसे बनवाया गया था। नेक्स्ट है कि जरथुस्तवादी विचार, जो कि सद्विचार, सद्भावना, सद्वचन, सदकार आदि का जो है संकलन मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो जैंद अवेस्था ग्रंथ में मिलता है। जैंद अवेस्था जो ग्रंथ है उसी में ये सद्विचार, सद्भावना, सद्वचन, सत्कार मिलते हैं। अगला है कि आरंभिक विहार बनाए गए थे, कहाँ बनाए गए थे, लकड़ी के, यानी आरंभिक जो विहार बनाए गए थे वो लकड़ी के बनाए गए थे। अगला पॉइंट है कि जैन धर्म में जो पांचवा महाव्रत है जो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया वो है ब्रह्मचर्य का पालन करो। नेक्स्ट है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये तीन जो रत्न है ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं कि पुनर्जन्म, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में जो विश्वास करता था वो कौन करता था, जैन धर्म। जैन धर्म में सबसे ज्यादा जो बल दिया गया वो अहिंसा पर दिया गया। संघ में रहने वाले स्त्री व पुरुषों को क्या कहा जाता है, तो संघ में रहने वाले पुरुष को भिक्षु और स्त्री को भिक्षुड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संघ की सभा में होने वाले प्रस्ताव, नाट्य के पाठ को क्या कहा जाता है, तो अनुशावन के नाम से जाना जाता है। और अगला पॉइंट है कि वह स्तूप जिसको उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहाँ बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया, वो दोस्तों है सारनाथ। अगला है बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक संबंधित है बौद्ध संघ के नियम से। नेक्स्ट है कि जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते थे, तो ये दोस्तों लकड़ी के बने होते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में जो लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया वो बोधिसत्व के नाम से जाने जाते हैं। वह विशेषता जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है, वह केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। अगला पॉइंट है कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को बताया गया है, तनहा बताया गया है। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म भारत से निकलकर कहां कहां फैला, तो जापान, चीन और कोरिया में फैला। वह धर्म जिसमें तीर्थंकर के नाम 24 जो कि महान आचार्य हैं वो दोस्तों जैन धर्म है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, कहां दिया था, सारनाथ में दिया था। और अगला है दिलवाड़ा मंदिर जो उदाहरण है वो जैन स्थापत्य कला का उदाहरण है दोस्तों। तो ये रहा जो है सातवां लेक्चर जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित था। इसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण जो है वन लाइनर एनसीईआरटी के देखे। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह का हमने सारा कुछ वीडियो जो है कवर हो चुका है। लाइक है चाहे आप इंडियन पॉलिटी हो या इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, पर्यावरण पारिस्थितिकी हो या साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये सब कंप्लीट हो गया है। और ये इतिहास चल रहा है, इतिहास का 7वां लेक्चर है, इससे पहले के 6 लेक्चर और पड़े हैं, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।